Welcome back students to standard 9th, and we are in chapter number 4, that is linear equation in two variables. And our aaj uska main jo aakhri exercise hai 4.4 wo uska video main aapko bhej raha hu, aur uska jo question number 1 ka first sum hai wo solve karke bhej raha hu. Bachcho ye 4.4 exercise hai, question number 1 hai, aur isi ke sath ye chapter bhi pura ho raha hai is video ke sath hi. To क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो चैप्टर है उसका जो आखिरी एक्सरसाइज है 4.4 उसमें ऐसा बताया गया है कि आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करें ग्राफ का, और ये भी बताया है कि इसके जो ग्राफ बनते हैं वो या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं या तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होते हैं. तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का पहला सम, उसको मैंने सॉल्व करके भेजा है. आप उस वीडियो को अच्छी तरह से स्टडी करना तो आपको समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट क्या है. क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है, उस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना और फिर उसके हिसाब से हम ये सॉल्व करेंगे. तो बच्चों यहाँ पे गिव ज्योमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स, ये क्वेश्चन है कि हमें ज्योमेट्रिकल इक्वेशन बनाना है. जो हमें इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 3 का, और उसको एक वेरिएबल में और दो वेरिएबल में दोनों में करना है. तो सबसे पहले मैं वन वेरिएबल में आपको करके बताता हूँ कि उसका इफेक्ट क्या होता है और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट भी किया जाता है. तो y इज इक्वल टू 3 इन वन वेरिएबल. नाउ ये इक्वेशन ही ऐसा है जिसके अंदर वेरिएबल ओनली एक ही है. देखो आप देख रहे हो कि ओनली y इज अ वेरिएबल, तो एक वेरिएबल वाला ही इक्वेशन है. तो यहाँ पे सिर्फ y ही वेरिएबल है, तो इसका जो मुझे रिप्रेजेंटेशन करना है तो मैं सिंगल लाइन पर ही कर सकता हूँ क्योंकि x है ही नहीं. तो मुझे x और y ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन की यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. जब वेरिएबल दो होंगे तो मुझे x और y दो अलग अलग लाइंस ड्रॉ करके ग्राफ बनाना पड़ेगा. लेकिन आपने जो लोअर ग्रेड्स में लाइन नंबर लाइन सीखा था उस नंबर लाइन को ही ड्रॉ करके मैं ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. तो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ की, ज़ीरो पॉजिटिव नंबर अरे राइट हैंड साइड, नेगेटिव नंबर लेफ्ट हैंड साइड. तो यहाँ पे बेटे बच्चों जो नंबर है उसमें 0, 1, 2, 3 और मेरा वाई की वैल्यू 3 है. तो वाई ये नंबर लाइन की ये वाई है सपोज मेरा, तो मैंने यहाँ पे 3 पर राउंड करके वाई इज इक्वल टू 3 दिखा दिया. दिस इज सिंपल. तो वन वेरिएबल में दिखाना बहुत आसान है. जो आप नंबर लाइन फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में सीखे हो वो नंबर लाइन ड्रॉ करके वो नंबर दिखा रहे हैं. अब आपको माइनस में बताए तो माइनस दिखाना, प्लस में दिखाए तो प्लस, जीरो बताए तो ज़ीरो बताना. इट्स वेरी सिंपल. अब मुझे टू वेरिएबल्स वाला वाई इज इक्वल टू 3 एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वाई कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज, तो मैं इसको मैं अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट तो मुझे क्या करना पड़ेगा. मेरे पास क्वेश्चन तो वाई इज इक्वल टू 3 है, तो मुझे क्या एक्स को पहले यहाँ पे लाना पड़ेगा. तो मैंने क्या किया, वैसे है नहीं इसलिए इस तरह लाना पड़ेगा कि इनविजिबली वो मेरे हमारे अगर इनविजिबल है मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन फिर भी मुझे दिखाना है. तो मैं क्या करूँगा, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स करके लेके आऊँगा क्योंकि है नहीं इसलिए मुझे ज़ीरो ही लेना पड़ेगा. तो ज़ीरो उसका कोएफिशिएंट लाना पड़ेगा, तो ज़ीरो इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 करके बताना पड़ेगा. फिर मैं क्या करूँगा, x की अलग अलग वैल्यू लूँगा जो मैंने हम लोग करते आए हैं इस चैप्टर में. x की वैल्यू 1 लो, 2 लो, 3 लो, या कोई भी माइनस नेगेटिव नंबर लो, फ्रैक्शंस लो, डेसिमल्स में लो, एवरीथिंग इज अलाउड. यहाँ पे मैंने सिंपली 1, 2, 3 लिया है. तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, तो 0 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो वाई इज इक्वल टू 3 ही हुआ. कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही रहता है. तो y इज इक्वल टू 3 वैसे ही रहेगा क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन y इज इक्वल टू 3 ही है. ये तो दिखाने के लिए, टू वेरिएबल्स दिखाने के लिए मैं ऐसा इमेजिनरी x लेके आया हूँ यहाँ, तो वो वास्तव में मुझे रिप्रेजेंट करना भी नहीं है क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं है. इनविजिबली मुझे इसको दिखाना पड़ेगा. तो x इज इक्वल टू 1, तो 0 इंटू 1 इज 0. इसी तरह x इज इक्वल टू 2, तो 0 इंटू 2 भी 0 ही होगा, और x इज इक्वल टू 3 भी लूँ तो 0 इंटू 3 भी 0 ही होगा. मतलब मैंने x की 1, 2, 3 वैल्यू y ली थी लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे स्टेबल ही रहेगी, वो 3 ही रहेगी क्योंकि वास्तव में x है ही नहीं, रियलिटी में है ही नहीं क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन तो y मुझे दिखाना भी है लेकिन है नहीं, इस तरह दिखाना है. तो मैंने क्या किया, 0 आगे लगा दिया और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मैटर एंड्स.
अब आपको जो जिस तरह से आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो उस तरह रिप्रेजेंट कर दो इसको। तो x और y ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, वर्टिकल लाइन y एक्सिस, जिस तरह से हम करते हैं उसी तरह से हमने दो एक्सिस ड्रॉ की। ये आपको ऑफकोर्स ग्राफ बुक में दिखाना है बच्चों, राइट। अब 1 2 3 4 यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स, ऊपर पॉजिटिव नंबर्स, जैसे होता है चार क्वाड्रेंट से, ये ऑलरेडी आप देख सकते हो, बहुत ही आसान है। अब जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, जब x की वैल्यू 2 अगेन y की वैल्यू 3, जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू भी 3, मतलब तीनों 3। तो मैं यहाँ पे इसकी जो लाइन ड्रॉ करूँगा वो लीनियर इक्वेशन है, इसलिए स्ट्रेट लाइन तो बनेगी। लेकिन इस ग्राफ की विशेषता क्या है कि हमने जो पहले वो 4.1 4.2 4.3 एक्सरसाइज में जितने भी ग्राफ बनाए वो तो स्लांट लाइन बनती थी, या ऐसे लाइन बन सकती थी, या किसी भी तरह बन सकती थी ना। लेकिन इस प्रकार के ग्राफ में जो भी लाइन बनेगी वो या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी या तो पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगी। अगर यहाँ पे वाई इज इक्वल टू 3 की जगह एक्स इज इक्वल टू 3 दिया होता तो ये पैरेलल टू वाई बन सके, वाई बनेगी, बस उतना ही फर्क रहेगा। लेकिन वो लाइन आइधर पैरेलल टू एक्स या पैरेलल टू वाई बनेगी। देखो यहाँ पे वो पैरेलल टू एक्स बन रही है, पैरेलल टू एक्स बन रही है, मतलब वाई की जो ओरिजिनली एक्स की वैल्यू 0 ही है और कुछ नहीं है, ये सूचित करता है। तो क्वेश्चन 2 जो है आपका इसी एक्सरसाइज में 4.4 के, वो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसी प्रकार का सम है और इसी तरह ही करना है, सेम टू सेम, दैट इज़ होमवर्क। अगर ना हो तो मुझे ग्रुप में ज़रूर बोलना, मैं सॉल्व करके भेज दूँगा। लेकिन बहुत ही आसान है, और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये चैप्टर जो है वो एक स्कोरिंग चैप्टर है। तो जितने भी वीडियोस अब तक मैंने भेजे उसको अच्छी तरह से स्टडी करते रहना, और कोई डाउट हो तो अभी भी आप ग्रुप में भेज कर मुझे डाउट सॉल्व करा सकते हो। तो एक आसान चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर है, और हाँ इसका रिविज़न और सब कुछ करते रहना बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम्स इनकी भी होंगी जो आपकी 25 मार्क्स की एग्ज़ाम होती रहे, तो अभी नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि इसकी एग्ज़ाम हो। और इसी के साथ ये चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैं आज पूरा कर रहा हूँ, और एक्सरसाइज 4.4 भी पूरा कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व करके दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग होमवर्क में सॉल्व करना, होमवर्क रेगुलर आना चाहिए, लेकिन किसी भी बच्चों का होमवर्क आ नहीं रहा है, तो ये दिखा रहा है कि आप मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। और अगर इस लेवल पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बच्चों, तो फिर आगे जाकर आपको प्रॉब्लम होगा। प्लीज़ प्रैक्टिस, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो और होमवर्क रेगुलर भेजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।